तो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर सारे वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड प्रेजेंट है। प्रीवियस में जिनका भी सिलेक्शन जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए हुआ उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर अवेलेबल है। जावा के वीडियोस अवेलेबल है और प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री जैसी कंपनीज में, तो उनकी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक SQL की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक। टॉपिक्स ये हैं, ये अभी तक कवर हो चुके हैं। वीडियो नंबर वन में ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। वीडियो नंबर टू में हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज और ऑर्डर बाय। तो चलो देखते हैं क्या होता है ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और हैविंग क्लॉज। और जैसा कि हमारा फ्लो रहता है, हम पहले क्वेरीज का क्वेश्चन उठाते हैं, उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं डेटाबेस पर, और जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम समझते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बाय क्रिएट्स ग्रुप ऑफ डेटा प्रेजेंट इन रोज। ग्रुप बाय हर चीज के रो के डेटा के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाता है। तो वो हम समझेंगे कैसा बनाता है और उसका हमें काम क्या आने वाला है। उसी के साथ ग्रुप बाय में यदि आपको कंडीशन लगानी है पर्टिकुलर, तो हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। उसके डेफिनेशन यहाँ पर ऐड है। हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट डेटा दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप बाय फंक्शन। तो यही जो मैंने अभी बताया। और ऑर्डर बाय भी पढ़ेंगे। ऑर्डर बाय इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम एक बोनस के जरिए देखेंगे ऑर्डर बाय से रिलेटेड, जिसमें हम कॉलम नेम नहीं पास करते हुए भी अरेंज कर देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखेंगे हम सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन एडिटर प्रेजेंट है जिसमें हम क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर टेबल है हमारे पास कस्टमर्स, ऑर्डर्स और शिपिंग, और इन सब के रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं क्या क्या डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिंट आउट नेम ऑफ आइटम्स अलोंग विद देयर काउंट। नेम ऑफ द आइटम्स और उसका काउंट कितना है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कीबोर्ड यहाँ पर हमारे पास दो बार दिख रहा है, तो कीबोर्ड लिखना है और फिर टू। माउस कितनी बार है, एक बार है, तो माउस और वन, मॉनिटर वन, माउस पैड वन। इस तरह से हमें यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करना है। तो सिंपल हम पहले तो लिख लेंगे सेलेक्ट, यहाँ क्या क्या प्रिंट करना है हमें, आइटम आइटम प्रिंट करना है। और हमने एक क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा था काउंट नाम का, काउंट आइटम्स, ये काउंट में पास कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम हमारा ग्रुप बाय लगाएंगे। किसकी ग्रुपिंग करने के लिए, आइटम के बेसिस पर रोज की ग्रुपिंग करने के लिए। तो कीबोर्ड, ये वाला कीबोर्ड और ये वाला कीबोर्ड एक ग्रुप में हो जाएंगे, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ ग्रुप बाय आइटम और रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी। सो नो सच कॉलम आइटम पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर कस्टमर्स टेबल लिखा है। तो यहाँ पर लिख रहा है ऑर्डर्स, लेट्स सी। ये देखो कीबोर्ड का काउंट कितना है, टू, मॉनिटर का वन है, माउस का वन है, माउस पैड का वन है, ये हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से ग्रुप बाय की वर्किंग होती है। ये डेटा को उनके रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ग्रुपिंग कर देता है। सपोज मैं यहाँ कस्टमर आईडी की ग्रुपिंग करता, तो फोर, ये वाला फोर और ये वाला फोर एक ही ग्रुप में ऐड हो जाते। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय की कुछ क्वेरीज और देखने वाले हैं आगे। मैं इसको हमारी शीट में ऐड कर देता हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वेयर एज इज 22। यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना है। देखो जनरली हम जब ग्रुप बाय यूज करते हैं तो उसके बाद हम हैविंग कीवर्ड लगाते हैं, लेकिन आपको ग्रुपिंग करने के पहले ही यदि कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज लगाऊंगा और ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज एंड वेयर एज इज 22। तो यहाँ पे लिख दूंगा वेयर एज इक्वल टू 22, और ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना है मुझे, कंट्री के बेसिस पर। तो
एज 2 बार हो गया मेरे पास, ऑर्डर स्टेबल नहीं है, मेरी कस्टमर स्टेबल है। ये मैंने रन किया, सबसे पहले ये अप्लाई हुआ जो हमने कंडीशन लगाई वेयर क्लॉज के बाद, एज क्या है 22, तो वो कंडीशन पहले ऐड हुई 22 और 22, फिर ग्रुपिंग हुई इन लोगों की, इन रिकॉर्ड्स की कंट्री के बेसिस पर, और फिर हमें आउटपुट मिल गया। तो ये हमारी एक और क्वेरी बन गई, हमें ऐड कर देते हैं शीट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट आउट नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु आर हैविंग सिमिलर नेम। हमारे पास कस्टमर टेबल है, इसमें जॉन नाम के 2 यूजर्स हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि जो डबल बार प्रेजेंट है उनका नाम मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा देखते हैं हम। तो इसको सब हटा देंगे, तो ग्रुप बाय से पहले तो मेरी ग्रुपिंग हो गई। ग्रुप बाय में किसके बेसिस पे मुझे ग्रुप बाय करना है, फर्स्ट नेम के बेसिस पे, तो ग्रुप बाय के जस्ट बाद में पास कर दूंगा जिसके लिए मुझे ग्रुपिंग करनी है फर्स्ट नेम के लिए। अब वहां पर एक कंडीशन बताई गई है कि जो 2 बार प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर मैं हैविंग कीवर्ड का यूज करके ग्रुप बाय का जो मुझे रिकॉर्ड आएगा उसमें अब मैं कंडीशन लगाऊंगा ग्रुप बाय काउंट ऑफ फर्स्ट नेम। एक एक बार तो सारे ही प्रेजेंट रहेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, मोर देन वन। एक बार तो सारे ही रिकॉर्ड प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो 2 है उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी, देखते हैं हमारा रिकॉर्ड आता है या नहीं। तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया, जॉन, यहाँ पर मुझे नेम मिल गया। ये जॉन मेरे पास डबल प्रेजेंट था, तो वो यहाँ पर मुझे मिल गया है। तो हमने देखा कि वेयर क्लॉज कब लगाना है, हैविंग कीवर्ड कब लगाना है, ये दोनों डिफरेंट हैं। जो आपका हैविंग कीवर्ड है वो ग्रुपिंग की कंडीशन पे ही लगता है, वेयर क्लॉज आपका ऐसा सिंपल जब आपको कंडीशन ऐड करनी है नॉर्मल क्वेरी में तब लग जाता है, और ग्रुप बाय के पहले भी लगता है। लेकिन हैविंग का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि वो ग्रुप बाय की ग्रुपिंग के बाद ही लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास क्या है, मेक ग्रुपिंग ऑफ स्टेटस एंड प्रिंट इट्स काउंट आल्सो। ठीक है, हमारे पास थर्ड नंबर का जो टेबल है वो शिपिंग से है, उसमें स्टेटस है पेंडिंग पेंडिंग डिलीवर्ड पेंडिंग डिलीवर्ड। तो अब मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेंडिंग 3 बार लिखा हुआ है, डिलीवर्ड 2 बार लिखा हुआ है। अब मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो सबसे पहले ये जो क्वेरी मेरे पास लिखी हुई है उसको हटा दूंगा। सेलेक्ट स्टेटस प्रिंट कराना है मुझे, और उनका काउंट प्रिंट कराना है कितनी बार वो प्रेजेंट है, तो काउंट ऑफ स्टेटस, ये 2 चीजें मुझे प्रिंट करानी है। कहाँ से, फ्रॉम शिपिंग टेबल से। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग लगा दूंगा स्टेटस के बेसिस पे। तो ये देखो डिलीवर्ड कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, और पेंडिंग के रिकॉर्ड कितने हैं मेरे पास, 3। तो ये हमने एक और क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली, आई होप आप ग्रुप बाय समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है वो है प्रिंट टोटल सम फॉर ईच आइटम प्रेजेंट इन ऑर्डर्स। तो सबसे पहले मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ, ये अभी जो मेरी सिलेक्ट के बाद की लिस्ट है वो कुछ ऐड नहीं करता हूँ अभी, और यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वाले टेबल से मुझे उठाना है आइटम की ग्रुपिंग, और उनका जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखूंगा आइटम, ग्रुप बाय आइटम, और यहाँ पर लिखूंगा मैं आइटम प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है, उनका सम, ग्रुपिंग हो जाने के बाद उनका सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट का सम करना है ना मुझे, तो यहाँ पर अमाउंट ऐड कर दूँ। अब देखो कीबोर्ड के सामने क्या आना चाहिए, 800, क्योंकि 2 कीबोर्ड प्रेजेंट है, दोनों 400 400 के हैं, तो कीबोर्ड के सामने 400 आना चाहिए। माउस तो एक ही है तो 300, मॉनिटर 12,000, माउस पैड 250, तो इस तरह से मुझे वहां पर दिखना चाहिए। देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास कीबोर्ड है 800 के,
बाकी सब तो एक एक ही बार प्रेजेंट है, तो सेम उनका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया सम होके। तो ऐसे ग्रुपिंग के बेसिस पर फिर हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, उनका सम एवरेज इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? राइट अ क्वेरी टू प्रिंट एवरेज एज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। ठीक है, देखो कस्टमर टेबल्स में जाते हैं हम, उसमें हमारे पास एज का कॉलम प्रेजेंट है, कंट्री का कॉलम प्रेजेंट है। कंट्रीज हमारे पास यूएसए है, यूके है और यूएई है। तो इन सबका एवरेज एज निकालना है ना। यूएसए में एक एज है 31 और सेकेंड एज है 22, तो दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 53। 53 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो एवरेज हो गया मेरा। तो इस तरह से सभी की कंट्री का एवरेज मुझे यहाँ पर निकाल कर देना है। तो सिलेक्ट, अभी यहाँ कुछ नहीं लिखता, सिलेक्ट लिस्ट में पहले मेरा ग्रुपिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर कौन से टेबल से लेना है? कस्टमर्स टेबल से लेना है। ग्रुप बाय किसके बेसिस पर ग्रुपिंग करना है मुझे? कंट्री के बेसिस पर ग्रुपिंग करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एवरेज किसका निकालना है? एज का। यहाँ पे एज लिख देता हूँ, एज नहीं, हमने एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज एवरेज पड़ा हुआ है, एवरेज के अंदर एज पास कर दूंगा मैं। कंट्री प्रिंट करना है और उसके सामने मुझे उनका एवरेज लिखना है, ग्रुप बाय कंट्री। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारी क्वेरी। तो देखो यूएसए का आ गया 26.5, यूएई की एवरेज एज है 28 और यूके की 23.5 एवरेज एज है इस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने एवरेज एग्रीगेट का फंक्शन यूज करके ग्रुप बाय में हमारा आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है प्रिंट आउट कस्टमर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर हमने ग्रुप बाय पढ़ा, हैविंग क्लॉज पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर किसके बेसिस पे मुझे अभी करना है प्रिंट आउट कस्टमर्स नेम इन असेंडिंग ऑर्डर? मैं मान रहा हूँ फर्स्ट नेम के बेसिस पे मुझे यहाँ पर ऑर्डर प्रिंट करना है। तो ये सिंपल है, ऑर्डर बाय काफी सिंपल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। सिर्फ इतना लिखना है हमें, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। तो ये देखो बी के लेटर वाला सबसे पहले, फिर डी, फिर जे और फिर आर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया हमारे पास। बाय डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होके आपका आउटपुट मिलता है, और यदि आप असेंडिंग मैनुअली करना चाहते हैं तो ASC कीवर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और एक और कीवर्ड होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, DESC। ये अब हमें रिकॉर्ड उल्टे मिल गए, R से स्टार्ट हो गया, फिर J, फिर D, फिर B। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डरिंग भी हम कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही रहता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ये क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रिंट आउट प्रिंट आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5, उसमें अभी रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, ऑर्डर्स टेबल लिख देंगे पहले, ऑर्डर बाय में क्या ऐड कर देंगे हम? ऑर्डर आईडी। एक बात का और जरूर ध्यान रखिए, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो एक कीवर्ड ऐड कर दूंगा DESC। रन किया तो सभी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर रिकॉर्ड मिल गए। मैं बता रहा था एक बात का ध्यान रखना है, ऑर्डर बाय का जो सीक्वेंस है वो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ग्रुप बाय हो जाएगी, वेयर कंडीशन लग जाएगी, पूरी क्वेरी आपकी बन जाएगी, लेकिन ऑर्डर बाय का जो सीक्वेंस है वो सबसे लास्ट में रखना है आपको। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रख के चलना होगा। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास, है नेक्स्ट क्वेरी डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल ऑन ऑर्डरिंग ऑफ लास्ट नेम। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बोनस क्वेरी पढ़ेंगे,
जिसमें हम यहाँ पर पास करते थे, जैसे ऑर्डर आईडी, कॉलम नेम पास कर रहे हैं हम दोनों जगह फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर कॉलम नेम नहीं पास करेंगे, फिर भी हम सॉर्टिंग करेंगे, डेटा की सॉर्टिंग करेंगे और कॉलम नेम नहीं पास करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डरिंग ऑफ लास्ट नेम, लास्ट नेम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है हमें। अभी तक क्या लिखता था मैं, ऑर्डर बाय, ऑर्डर आईडी, कॉलम नेम हटा रहा हूँ, डीएससी भी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। और यहाँ पर लास्ट नेम में हमारे पास रिकॉर्ड्स है, डी से है, एल से है, आर से है और डी से है, तो ये डी वाले पहले आना चाहिए, फिर एल वाला आना चाहिए और फिर आर वाले रिकॉर्ड्स आने चाहिए। अब मैं यदि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर करूँ मैं, तो कैसा लिखूंगा, लास्ट नेम, ऑर्डर बाय लास्ट नेम, और मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। नहीं मिला क्योंकि मेरा टेबल गलत है, वो वाला ऑर्डर्स में ढूंढ रहा हूँ मैं, आप कस्टमर ऐड किया, मुझे मेरा आउटपुट मिल गया, ये देखो। लेकिन मुझे ऑर्डर में आया, मैं अभी कॉलम नेम नहीं पास करना है, तो कॉलम नेम नहीं पास करूंगा तो क्या पास करूंगा मैं, जो कॉलम का नंबर है, जैसे कस्टमर आईडी फर्स्ट नंबर का कॉलम है, फर्स्ट नेम सेकंड नंबर का कॉलम है, लास्ट नेम थर्ड नंबर का कॉलम है, तो यदि यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपल 3 लिख दूंगा और फिर रन करूंगा, तब भी मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई है, डी वाले, एल वाले और फिर आर वाले रिकॉर्ड आ गए। यदि मुझे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ 3 के बदले मैं लिख दूंगा कॉलम का नंबर क्या है, 2, रन करूंगा, ये देखो अब हमारे पास इसकी ऑर्डरिंग हुई फर्स्ट नेम के बेसिस पर, बी पहले फिर डी फिर जे फिर आर। फर्स्ट कॉलम के बेसिस पर यदि मैं मुझे ऑर्डरिंग करना है तो यहाँ पर लिख दूंगा 1, तो ये फर्स्ट कॉलम मेरा ऑर्डर हो गया। तो ये थी हमारी एक तरह से बोनस क्वेरी। आपको क्वेरी समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।